रीबर्थ, पुनर्जन्म, रहस्य खुलता है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सोशल मीडिया के माध्यम से पुनर्जन्म की बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आपको मिलेगी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होगी जो आपको आपकी परंपराओं, आपकी मान्यताओं के आधार पर भी आपको सोचने को मजबूर करेगी। पुनर्जन्म यह भी बताता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जब उसके शरीर के उस आवरण से बाहर निकल जाती है, तब वो आत्मा अपने परिजनों को आवाज देती है, कहती है कि मैं यहां हूं, मुझे देखो। लेकिन उनका कहना यह होता है कि उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं है। पुनर्जन्म की यह घटना यह भी बताती है कि मौत के बाद जब रीबर्थ के बीच में समय रहता है, तो वो आत्मा घर के आसपास छत पर, मुंडेर पर या फिर आसपास के किसी वृक्ष पर रहती है और अपने सभी परिजनों को बहुत आराम से देखती है। भूख लगती है तब वो सब कुछ खाती है जो आपके घर में बनता है। एक ऐसी घटना जो ये बताती है कि हमें किसी चीज को उठाने की जरूरत नहीं रहती, रोटी आपकी थाली में ही रहती है, लेकिन हम खा लेते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म की यह घटना यह भी बताती है कि हम अपनी परंपरा और मान्यताओं के अनुसार जो अपने परिजनों, उन परिजनों का जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, पितर भी कहते हैं, उनके लिए हम जो पिंड दान करते हैं या फिर जो कपड़े वगैरह देते हैं, ब्राह्मण जी को जो दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं, आवश्यक सामग्री देते हैं, क्या वो उन तक पहुंचती है? दोस्तों, हरियाणा के पलवल के पास एक गांव की ये घटना, और कहा जाता है कि ये गांव उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ, यानी हरियाणा का आखिरी गांव। पिछले जन्म का धनराज, इस जन्म का संभवतः राहुल। क्या क्या घटनाएं होती है? ट्रैक्टर से उनके एक मित्र ने उन्हें धक्का दिया होता है, मजाक मजाक में धरती पर गिरते हैं और फिर कोई वाहन वहां से निकलता है अचानक, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास रहती है, भरा पूरा परिवार रहता है, पत्नी भी रहते हैं, बेटे और बेटियां भी रहती हैं, और आसपास के गांव में ही फिर जन्म होता है। लेकिन रीबर्थ होने में कुछ समय लगता है, अपने पुराने उसी जन्म के घर के सामने आसपास के वृक्ष में रहते हैं, कई बार आवाज देते हैं, मौत के बाद भी पोस्टमार्टम होने तक, अंतिम संस्कार होने तक वो अपनी डेड बॉडी के साथ साथ रहते हैं, और अपने उस मित्र को भी उन्होंने कई बार आवाज दी, अपने परिजनों को भी आवाज दी कि मैं यहां हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन लोग नश्वर शरीर को देख रहे थे, यानी आत्मा की आवाज सुनी नहीं जाती। ये घटना ये बताती है कि मृतात्मा शरीर से बाहर निकल करके अपने परिजनों को बताती है, आसपास घूमती है, लेकिन उनकी आवाज को कोई सुनता नहीं। तो कुछ दिनों तक, बल्कि कुछ वर्षों तक, संभवतः 8 वर्ष तक वो पेड़ पर रहते हैं। उस वक्त भी उनके साथ कई आत्माएं रहती है। वो ये कहते हैं,
वी क्लास के अभी हैं शायद राहुल, बहुत ही बेबाक बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ दोस्ती रहती है, दोस्तों का ग्रुप रहता है, ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड में भी आत्माओं का ग्रुप रहता है। हम आपस में बोलचाल करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं हमारे साथ जुड़ती है जो मित्रवत होती है, हम सब फिर अपना एक ग्रुप बना करके रहते हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी को डराने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, हंसकर के कहा नहीं, हमने ये कोशिश कभी नहीं की। रहस्य रोमांच की घटना देखिए, जमीन का जन्म होता है तो बचपन से ही ये उस गांव के बारे में और अपने पूर्व जन्म के माता पिता के बारे में बताने लगते हैं। शुरुआत में लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन एक बार क्या होता है कि कोई पड़ोस में आया हुआ होता है, उसके सामने कोई चर्चा चल रही होती है, वो बताते हैं कि मेरी ये पत्नी है, मेरी ये बच्चे हैं, मेरा ये गांव है, और उस पड़ोसी के माध्यम से उस गांव में खबर होती है और वो खबर उनकी पत्नी तक, पूर्व जन्म की पत्नी तक पहुंच जाती है। पत्नी जब ये सुनती है कि उनके पति का आसपास के गांव में बर्थ हुआ है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि दिल का प्रेम भी होता है कि सचमुच अगर वो है तो जाकर के मिला जाए। और पत्नी इस गांव में इनके घर में आती है तब ये पहचान जाते हैं और ये सारी बातें बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि उस वक्त एक बच्चा उनके गर्भ में था जो बाद में लड़की के रूप में हुआ। पत्नी चकित रह जाती है और धीरे धीरे फिर ये सिलसिला चलता है। पूर्व जन्म के सभी लोग इनसे मिलते हैं, इनकी बेटियां भी मिलती हैं, इनके बेटे भी मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात पत्नी को एक वो खास बात बताते हैं, अपनी कुछ चीजों के बारे में बताते हैं जो अब तक इस परिवार को पता नहीं चलती। लेकिन जैसे ही बताई जाती है, जगह बताई जाती है, वस्तु बताई जाती है, खोजी जाती है और वो वस्तु वहां पर मिल जाती है। विश्वास कैसे नहीं होता साहब, घटनाएं विश्वास करा देती है। जब इनसे पूछा जाता है कि क्या आपने स्वर्ग नरक देखा, क्या आपकी आत्मा वहां गई जहां धर्मराज रहते हैं, चित्रगुप्त रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम उस ऊपर तक नहीं गए। और यह लगता है कि स्वर्ग नरक जो योनियां होती है, आप जैसा कर्म करते हैं उनको वो योनि मिल जाती है, जैसे शुरू में इनको प्रेत योनि मिली थी और वो उस योनि के रूप में 8 वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया था रीबर्थ का, और बाद में इन्हें मनुष्य योनि ही मिली। इसका मतलब इनके कर्म अच्छे रहे थे और उस 8 वर्ष के अंतराल में भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जैसा कि आप सुनते हैं कि प्रेत योनि में कई बार बहुत गलत काम किए जाते हैं, वो काम इन्होंने नहीं किया। इनकी संगत भी अच्छी रही, इनके ग्रुप की जो दूसरी आत्माएं थी वो भी बहुत अच्छी रही, और इसकी वजह से कोई गलत काम नहीं किया, संभवतया ये भी एक कारण रह सकता है। लेकिन मौत के बाद नए जन्म तक ये 8 वर्ष का अंतराल इन्होंने भोगा। हमारे पास एक घटना एक बच्चे की आई है जिसमें संभवतः 2 वर्ष का अंतराल था और वो अपने घर की छत पर रहता था, अपनी माँ को आवाज देता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। ये बात उसमें भी मिली, ये बात इस घटना में भी मिल रही है। उस घटना को भी हम आने वाले दिनों में आप तक पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो हमारे पुराण, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वो सही नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि इस घटना को सुनकर के हमें ब्राह्मणों को दक्षिणा या दान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि वो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और उनकी पूजा आराधना से
पॉजिटिविटी का निर्माण होता है और उनकी दुआ से हमारे भी काम होते हैं। इसलिए उनको बिल्कुल पूजा दक्षिणा दान पुण्य जितना हम कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। पात्रता सच्चे और अच्छे ब्राह्मण को करना चाहिए। ये खोज हमें बहुत आवश्यक है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, ब्राह्मणत्व तो उसके अंदर होना चाहिए। ब्राह्मण के की जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण के जो संस्कार हैं, ब्राह्मण जो नहीं कर सकता अगर वो नहीं कर रहा है, और जो उसे करना है अगर वो कर रहा है, तो ऐसे सच्चे ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए और भरपूर दक्षिणा दान उन्हें देना चाहिए। हालांकि ये श्रीमान ये कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि जो मरणोपरांत जो घर के परिजन कपड़े देते हैं, जो दक्षिणा देते हैं ब्राह्मण को, क्या वो आप तक पहुंचती थी, तो उन्होंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बोले कपड़े आप कौन से पहनते थे? बोले हमारे कपड़े वैसे कुछ नहीं होते थे, मरते वक्त जो हमारे शरीर पर ड्रेस थी बस वो ही रहती थी। ये बात पलवल के पास यूपी बॉर्डर से सटा हुआ गांव, वहां के अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो राहुल ने कही थी, लेकिन पुराना नाम मुझे याद है, उनके पूर्व जन्म का नाम वो धनराज था। हमारे एक यूट्यूबर भाई ने बहुत अच्छे सवाल किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्हें देखने के बाद मुझे लगा कुछ सवाल छूट गए थे, होता है, लेकिन जितने भी सवाल किए गए वो सवाल बहुत मार्मिक थे, तथ्यात्मक थे। लोग विश्वास करे या न करे ये अलग बात है, कमेंट बॉक्स पर लोग कमेंट कुछ भी दे, लेकिन कोई पत्रकार अगर किसी संदर्भ में जाकर के, उस क्षेत्र में जाकर के और आपको उस व्यक्ति से मिलाता है, तो मुझे लगता है वो पत्रकार कोई भी क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उस पत्रकार को सलाम बनता है। मैं सलाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उन्हीं के संदर्भ के साथ मैं अपनी बात, अपना अंदाज जोड़ करके इस बात को अपने व्यूअर्स तक भी ला रहा हूं। पुनर्जन्म होता है साहब, आत्मा का सफर जारी रहता है, शरीर के परिधान बदलते रहते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स पर आकर के। विश्वास अविश्वास आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा डिजिटल आप तक भी हमारा चैनल है, उसे भी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले दिनों में उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।